हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्यार ब्लॉग 18 में, और बहुत बहुत स्वागत करता है आपका भाई क्यार। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं फिर से आज एक लोकेशन पे, और यहाँ की स्टोरी कुछ इस तरह का है कि दोस्तों, आसपास के जो गांव के लोग हैं, उन लोगों ने यहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होते हुए देखा है। लोगों को वो चीज़ें यहाँ पे एहसास होती है, नेगेटिव एनर्जी की यहाँ पे होने का एहसास होते हैं। लोगों ने फीलिंग किया है वो चीज़, उसी को आज हम पता करने के लिए आए हैं कि वो चीज़ क्या हमें एहसास दिलाती है या फिर कोई चीज़ हमें यहाँ पे दिखाई देती है। और दोस्तों, ज़्यादा कुछ बड़ी स्टोरी है नहीं इसका, और ये पूरा एरिया है तो हम लोग इसको कवर करेंगे। तो दोस्तों, बता दो कि आज की लोकेशन यार देखने में बिल्कुल नॉर्मल है भाई, बिल्कुल नॉर्मल। देखने से नहीं लगता कि यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी होगी, लेकिन जितना ज़्यादा नॉर्मल है उतना ज़्यादा खतरनाक है दोस्तों। ऐसे लोग बताते हैं कि यहाँ लोग यार अकेले तो आते ही नहीं है भाई, और इधर लोग आते कब है, जब कोई पशु वगैरह मर जाता है तो इधर दोस्तों लाते हैं उसको गाड़ने के लिए या फिर जो कुछ भी हो मरने के बाद। तो दोस्तों, इसी के चलते यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, क्योंकि आपके लिए इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं तो सब्सक्राइब तो बनता है यार। और कैमरे पे अपने उदय भाई है दोस्तों, और उदय भाई के साथ और एक भाई है, तो हम लोग कुल आज तीन जने हैं कुल मिला के। चलते आगे की ओर, पूरा एरिया को कवर करते हैं, क्या वो चीज़ें हमें दिखाई देती है या फिर यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हमें अनुभव होती है या फीलिंग होती है कि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है या नहीं। चलते उसी को आज देखते हैं दोस्तों। एक पक्षी की जो है, और इधर यार बरसाती नाला वगैरह है इधर से, तो पूरा झुंड होकर रखा है दोस्तों। यहाँ कुछ इस तरह का लोकेशन है यार, और आगे आप लोगों को और भी कवर करेंगे। और यहाँ पे बोले भट्ठा होता है दोस्तों ईंट का, तो पहले यहाँ पे था कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, तो वो अभी पूरा ख़त्म हो चुका है। और लोग दोस्तों इधर आते नहीं हैं, और बहुत ही बाय चांस लोग आते हैं कि यार किसी पशु का यार मृत्यु हो जाता है तो उनको इधर यार गाड़ने के लिए आते हैं या फिर फेंक देते हैं लोग। चलते आगे आप लोग को भी दिखाएंगे कि कुछ हड्डी वगैरह होगा या नहीं। तो यहाँ पे कुछ बोरा वगैरह देख सकते पड़ा हुआ है, और हो सकता है कोई जानवर मरा होगा यार, तो उसी को इसमें डाल के लाया होगा। इधर उधर भाई देख सकते यार हड्डी वगैरह है, हो रखा है, और यहाँ पे भी है देख सकते हैं किसी जानवर का होगा, गाय भैंस वगैरह का हड्डी। और भी दिखाते आगे चलो, इधर से इधर से चलते हैं, इधर से इधर से रास्ता है। अच्छा देख लो, थोड़ा सामान क्या रहा थे? ठीक, दोस्तों यार पूरा झुंड होकर रखा है, इधर से पानी होके पार होता है दोस्तों, तो उसी वजह से ये सब झाड़ियाँ हो रखी है। क्या भाई दोस्तों, वहाँ यार पेड़ है, पेड़ के पास कुछ चीज़ें हैं, उसको देख के मैं डर गया यार, वाइट थी दोस्तों। छोटी छोटी चीज़ें भी यार रात को डरा देती है, क्योंकि यार माइंड में हर वक्त चलता है नेगेटिव एनर्जी, तो भाई छोटी छोटी चीज़ें भी हमें डरा देती है, वो सबको भी यार नोटिस करना पड़ता है भाई। देख सकते यार कितना ज़्यादा हड्डी पड़ा हुआ है उधर भाई, सबका भीड़ लो पूरा अंदर चल के देखते क्या। चलो दोस्तों, पूरा अंदर आके दिखाते हैं आप लोग को, और देख सकते हैं यहाँ यार लाइट के क्या होता है, समझ के आना चाहिए दोस्तों। देख सकते हैं यार पूरा टीला वगैरह हो रखा है, मैंने ये टॉर्च भी ले रखा है, क्योंकि यार आगे जब चलते हैं भाई तो लाइट की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता। बाकी अभी तक हमें कोई भी चीज़ दोस्तों बाकी अभी तक हमें कोई भी चीज़
ऐसा फीलिंग नहीं हुआ है, नहीं एहसास हुआ है। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। आजा जाता हूँ भाई। ठीक है तो दोस्तों, वीडियो यार जिसने भी स्टार्ट कर लियो यार पूरी देखना भाई, क्योंकि यार आपके लिए इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो यार स्किप मत करना भाई, और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना यार। और देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा भट्ठा था, और यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा, जब ये भट्ठा बन रहा था उस समय बहुत ज़्यादा जहरीला सांप यार यहाँ से निकलते थे, पता नहीं क्यों लोग ऐसा बताते हैं। एक बार चारों तरफ व्यू करके लो तो दे भाई। चलते हैं और पास देख सकते हो उदय भाई। क्या भाई? दोस्तों देख सकते हैं यार कितना ज्यादा टीला वगैरह हो रखा है भाई, तो वो थोड़ा सतर्क रहना उदय भाई। ठीक है, क्योंकि ध्यान रखना यार पैर कहीं कहाँ कहाँ चल जाएगा। आ जाओ दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा यार ये जो भट्ठा था बड़ा था, तो देख सकते हैं अभी बहुत ज़्यादा दोस्तों सांप निकलने की वजह से लोगों ने यहाँ डर से यार बहुत ज़्यादा ईंटें निकाले भी नहीं, अभी भी काफ़ी ज़्यादा ईंटें हैं। अगर देख सकते हैं इधर लोगों ने रखा है अभी तक, तो लेके भी नहीं गए हैं भाई, और लोगों को पता नहीं यार जब ये सब ईंटें वगैरह लेने के लिए आते हैं तो उन लोगों को ऐसा एहसास होता है कि कोई उसे रोक रहा है भाई ये सब चीज़ें यहाँ से ले जाने से। देख सकते हैं कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे अभी भी है। और भाई पीछे से किसी का आवाज़ आ रहा था यार, पीछे से देखो कोई लगता है पीछे है भाई। दोस्तों ऐसा लग रहा है यार कि यार हमारे पीछे पीछे कोई चल रहा है भाई, बाकी कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही है यार। इधर चलो कितना जाओ, चलो देखते हैं भाई कोई चीज़ें यार हमारे पास से पार होके गई हो वहाँ उस साइड। और ओ भाई आवाज 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 दोस्तों एक बार आई, दोस्तों आवाज़ आ रही है यार दो बार अभी तक। हो सकता है कि वो चीज़ हमारे पास नहीं आना चाहती है, बाकी यार एहसास दिलाना चाहती है भाई। क्या कोई यहाँ है हमारे अलावा जो हमसे बात कर सके? क्या यहाँ कोई चीज़ें हैं नेगेटिव एनर्जी जो हमारे को एहसास दिला सकती है अपने होने का, या तो कुछ ऐसी चीज़ करके हमें दिखाए जिसे हमें मालूम हो कि आप यहाँ पे मौजूद हो? दोस्तों कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया यार, बाकी दो बार उदय भाई आवाज आ चुकी है। हाँ भाई, एक बार लगा था यार यहाँ से पीछे से कोई होके पार हुआ। उदय भाई इधर भीड़ रहे तो यार यहाँ से ओ भाई क्या था यार, दोस्तों कैमरे में बिल्कुल रिकॉर्ड हुई होगी उदय भाई, क्या रिकॉर्ड हुई कि नहीं हुई है भाई? दोस्तों देख सकते हैं ये अभी भी ये चीज यार हिल रही है भाई, बाकी देखिए वो चीजें नहीं हिल रही भाई। दोस्तों लोग जो बताते हैं यार वो सच है कि यहाँ यार नेगेटिव एनर्जी है इस जगह पे, बाकी हमें पूरा एहसास हो चुका है कि वो चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, ये आपकी जगह है, आप यहाँ रहो, हम आपको कोई नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आए हैं, हमारा कोई गलत मकसद गलत इरादा नहीं है, आप हमें नुकसान ना पहुँचाए। चलो आ जाओ यहाँ से निकल जल्दी क्या। हाँ भाई चलो, तो ठीक है दोस्तों
आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यार शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। और दोस्तों आप लोग से क्षमा चाहता हूँ यार कि वीडियो कुछ दिन लेट शूट हो रही है भाई, तो एडजस्ट कर लेना यार क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा है। तो बस यही मैं ना उसके बाद मैं कोशिश करूँगा यार आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी जल्दी वीडियो देने का कोशिश करूँगा, क्योंकि दोस्तों ये मैं ना थोड़ा डिले हो सकता है भाई क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा है। तो यार वीडियो को शेयर कर देना व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम हर जगह।